ये रुमाल मैंने कोरोना के लिए नहीं बांधा है, ये ना मैं आज घर पे बैठा बोर हो रहा था तो माइंड में आया कि कुछ नया ट्राई करते हैं। तो बैठे बैठे ने टाइम पास करने के लिए पता है क्या कर लिया, एक बार तो मैं इसको पूरा क्लीन कर रहा था शेप को, फिर मैंने सोचा मुझे रख लेता हूँ बाकी क्लीन कर देता हूँ, तो पूरा क्लियर कर दिया है। और अब जैसे छूता हूँ ना तो खुद को ही ऐसे लगता है पता नहीं किसके मुंह पे हाथ लगा रहा हूँ। कल ना सुबह 9 बजे मोदी जी आए टीवी पे तो देख रहा था, उन्होंने एकदम से कहा कि 5 तारीख शाम 9 बजे से। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा ला है भाई साहब अब कुछ ना कुछ जरूर बंद होगा, बट बंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप 9 बजे अपने अपने घर के गेट में, बालकनी में या फिर खिड़की में खड़े होकर, जो घर की लाइटें वगैरह हैं वो सारी बंद करके, और एक दिया मोमबत्ती या अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट या टॉर्च जला के खड़े होंगे 9 मिनट तक, 9 बजे से 9:09 तक वहाँ पे खड़े होंगे। जिस तरीके से हम इस महामारी में सभी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को और अपने नेशन को और भारत माता को थैंक्स कहेंगे एंड प्रे करेंगे कि जल्दी ही हम इस चीज से उबर सके। पिछली बार क्या हुआ, मोदी जी ने जब ये मैसेज दिया कि शाम 5 बजे ना सब अपने अपने घर के गेट पे आके या फिर अपनी खिड़कियां खोल के वहां पे क्लैप करेंगे, बर्तन वगैरह कुछ भी बजाकर लोगों का, उन वर्कर्स का, उन डॉक्टर्स का और उन पुलिस कर्मियों का, सभी का थैंक्स कहेंगे जो आप सभी की सेवा कर रहे हैं फिलहाल। बट उसमें क्या हुआ ना, कुछ लोग तो बाहर निकल गए सड़कों पे और जो सोशल डिस्टेंसिंग थी उसकी बैंड बजा के रख दी, कोई उसका ध्यान नहीं रखा, और कुछ लोग तो नाचने लगे, गलियों में घूमने लगे। तो इस बार प्लीज उस तरह की कोई भी हरकत मत कीजिएगा, आप आराम से एक दीपक जला के अपनी फैमिली के साथ या अकेले जैसे आपको अच्छा लगे आप खड़े होंगे और चुपचाप अपने मन के अंदर थैंक्स कहेंगे एक दूसरे को कि हम सब इस मुश्किल घड़ी के अंदर अंदर बैठे हैं घरों के और देश के लिए हम कुछ कर रहे हैं। एंड कुछ ना पिक्चर्स वायरल हुई पड़ी हैं व्हाट्सएप पे कि तैयारियां हो रही हैं संडे रात 9 बजे के लिए, लोगों ने पुतले वगैरह बना रखे, उस तरीके की पिक्चर थी। आई डोंट नो वो फेक था या रियल था, पर बट प्लीज़ इस तरह का कुछ भी मत कीजिए। अगर आपने इस तरह कोई इंतज़ाम कर रखा है तो उन सबको कैंसिल कर दीजिए, इससे तो अच्छा आप अगर कुछ भी ना करते हैं ना तो वो सही रहेगा। ये कदम सिर्फ यूनिटी दिखाने के लिए है और हौसला जगाने के लिए है देश की जनता का कि हम सब एक साथ हैं, सबको फील करवाने के लिए कि कोई भी अकेला नहीं है। ये मत सोचिए कि मेरे अकेले करने से क्या होगा, पूरा नेशन एकजुट हुआ हुआ है और सब एक दूसरे के साथ है। इसी बीच ना पार्टीबाजी चलने लग गई, कांग्रेस बीजेपी वाले उनको बातें मिल गई, तो जो कांग्रेस वाले हैं वो बीजेपी पे कमेंट कर रहे हैं और बीजेपी वाले कांग्रेस पे कर रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, मैं तो इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ यही जानता हूँ कि जो बात अपने पीएम बोल रहे हैं वो हमारे और देश के हित में ही है, तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। एंड उन्होंने अगर कहा है कि लाइटें वगैरह बंद करेंगे तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि लाइट को कट डाउन कर दिया जाएगा। काफ़ी लोग रूमर्स फैला रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे काफ़ी रूमर्स फैला रहे हैं कि लाइट बंद करने से पावर ग्रिड है जो फेलियर हो जाएगा, लाइटें खराब हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अभी मैं एबीपी न्यूज़ पे चेक कर रहा था तो वहाँ पे बताया हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं या जो भी चीफ्स हैं उन्होंने पहले से ही इनकी तैयारियां कर रखी हैं। इसमें क्या है कि सिंपल सी बात है कि लाइट का प्रोडक्शन पीछे से कम कर दिया जाएगा, कोई पावर ग्रिड फेलियर नहीं होगा, सब अपनी इच्छा से करेंगे, किसी पे फोर्स नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं लाइट बंद तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। ये बस खुद को एहसास दिलाने के लिए है कि हम सब एक साथ हैं, साथ मिलके इस महामारी से लड़ते रहेंगे इसी तरह। वैसे मेरी आंखों में थोड़ी ड्राइनेस रहती है इसलिए मैं वो ड्रॉप डालता हूँ अक्सर, तो अभी क्या है पूरे 6 से 7 घंटे तक कंप्यूटर के सामने बैठ के गेमिंग किया, जीटी और पबजी खेला पूरे दिन। एक बार तो मुझे भी लगने लगा था कि वो जो पहले मैंने चैलेंज लिया था 12 घंटे पबजी वाला, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आई बटन में ऊपर लिंक है वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो एक बार तो मुझे भी लगने लगा था कि कहीं वो चैलेंज मैं दोबारा रिपीट तो नहीं करने जा रहा हूँ ना आज, बट फिर सुबह 10 से लेकर शाम 5-6 बजे तक खेल रहा था मैं, और फिर बाद में मेरे को ही फील हुआ कि अब बहुत हुआ और अब कुछ करना चाहिए, कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। आज वीडियो भी शूट नहीं किया और भाई साहब फिर उठा लिया अपन ने कैमरा। एंड गाइस, जो अमेरिका टेस्ट कर रहा था कोरोना की वैक्सीन बनाने में, तो कहा जा रहा है कि उसने उसमें सफलता हासिल कर ली है।
तो उसमें क्या किया गया कि उस वैक्सीन का चूहों के ऊपर यूज़ किया गया है, तो चूहों पे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं, लेकिन अभी उसे ह्यूमंस पे टेस्ट नहीं किया गया है, तो उसके टेस्ट अभी बाकी हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही इसका इलाज आएगा, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो हमारे जो फ्लाइंग बीस्ट भैया यानी गौरव तनेजा जी हैं, उस वीडियो में मैं देख रहा था कि जो गौरव भाई और उनके जो फादर है वो आपस में हेयर कट कर रहे हैं एक दूसरे का। तो अपने को तो इतना नॉलेज नहीं है हेयर कट के बारे में, तो जैसे लॉकडाउन खुलता है उसके बाद ही कुछ होगा, अभी काफ़ी मैसे हुए पड़े हैं बाहर। तो गाइज़ आज का हमारा 11th डे भी इसी तरह कंप्लीट होता है, और अभी पीछे बाकी हैं 10 दिन। मैं भी कर लेता हूँ फिलहाल डिनर, आपसे मुलाकात होगी कल, तो मिलते हैं कल एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।